स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी हुई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। कल क्या कर लिया था हमने? लास्ट रूल नंबर 4। ठीक है, आगे बात करते हैं। रूल नंबर 4 के एग्जांपल लिखना चाहो तो एग्जांपल लिख लो। और क्या एग्जांपल लिखाया था? हाँ, या वेरी चार्मिंग है, वेरी ब्यूटीफुल, जो भी आपने लिखा। दूसरा लिखो, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। इस रूल में मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, ठीक है, और वो अनकाउंटेबल भी होते हैं, और उनके साथ में जो वर्ब यूज होती है वो कैसी यूज होती है? सिंगुलर। हैव बेटा, हैव आई के लिए आया है, ठीक है। क्या वो ठीक है? क्या लिखा आ गया आपने? आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, द मिसचीफ कमिटेड बाई हिम इज अनपार्डनेबल। मतलब क्षमा करने योग्य ना हो। स्पेलिंग लिख लो, UNPARDONABLE, अनपार्डनेबल। इज अनपार्डनेबल, तो यहां पे जो इज आया वो किसके लिए आया है? मिसचीफ के लिए आया है। तो ये बताना ये चाह रहा है कि मिसचीफ क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। आगे लिखो, हिज हेयर इज ओब्लिक आर ब्लैक। क्या यूज करेंगे आप? His hair is black. Good. आगे लिखो, I have bought some equipments EQUIPMENTS some equipments that I needed for the project. ठीक है, क्या गलती है सेंटेंस में? और हाँ, हैव तो ठीक है क्योंकि हैव आया है आई के लिए, लेकिन गलती है इसमें इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट क्या है? अनकाउंटेबल है ना, उसका प्लोरल नहीं कर सकते हम। तो यही कह रहा है कि जो नाउन होता है, जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, हेयर, तो इनको हम प्लोरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। बात समझ में आई? लेकिन अगर हम इन नाउन को प्लोरल करना ही चाहते हैं, या ये दर्शाना चाहते हैं कि नहीं जी, हम तो एक की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ में हम कुछ विशेष शब्द जोड़ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे कोई सूचना दी, मतलब इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन हमारे अकॉर्डिंग क्या है? प्लूरल है ना, लेकिन तुम तो कहना चाह रहे हो कि सर मैंने एक ही इन्फॉर्मेशन दी थी, ये आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हो। तो उनके साथ में हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड जोड़ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, ही गेव मी, आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो पहले, टू सिंगुलराइज, या ऐसे लिख लो, टू डिफाइन सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल बताने के लिए, ठीक है, वी यूज सम वर्ड्स, हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वी यूज सम वर्ड्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस।
तो यहां पे आप एडवाइस का यूज, मतलब अ पीस ऑफ एडवाइस, आपने एक अभी यूज कर लिया क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि एक ही एडवाइस दी है, ठीक है। आगे लिखो ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, वर रिलायबल। तो यहां पे देखो आप, यहां पे आप प्लुरल की बात कर रहे हैं, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इम्फेसाइज कर रहे हैं कि बहुत सारी। तो जब आप उसको इम्फेसाइज कर रहे हैं तो आप उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब भी प्लुरल यूज करेंगे। तो यहां पे हमने क्या यूज करा, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। तो यहां पे वाज का यूज नहीं करा, वर का यूज करा, क्यों, क्योंकि पीसेज ऑफ, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है। आगे लिखो मैनी काइंड्स ऑफ, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। अब फर्नीचर का, फर्नीचर तो हम कर नहीं सकते, एस नहीं लगा सकते, फर्नीचर्स नहीं लिख सकते फर्नीचर को, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लूरल बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिकल लिए, तो मैनी काइंड ऑफ या मैनी काइंड्स ऑफ का यूज आप कर सकते हैं। तो अब ये फर्नीचर भी प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में हम वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। तो क्या वर्ब क्या यूज करी हमने, आर। किसी को कोई डाउट यहां तक, आगे चले। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स, अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई गलती है तो अगर क्या है वो बताओ। आफ यू तो ठीक है बेटा, कुछ आर्टिकल चाहिए पॉलिटिक सेंस में ना, आफ यू तो ठीक है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे लिखो ही एट, ईट की सेकंड फॉर्म ए टी ई, ही एट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ठीक है। द पुलिस हैव फाउंड, द पुलिस हैव, अब पुलिस क्या है हमारा, भाई कलेक्टिव नाउन हो गया ना, ग्रुप दिखा रहा है। तो पुलिस के साथ में हम क्या पढ़ेंगे, प्लुरल वर्ब यूज कर सकते हैं, कल भी मैंने पढ़ाया था। द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड, एस टी आर ए एन डी, स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एच ए आई आर हेयर इन द शॉप। भाई कोई केस हुआ ठीक है, पुलिस वहां पे छानबीन करने गई, तो पुलिस को क्या मिला वहां पे, बालों का गुच्छा मिला ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि पुलिस को क्या मिला, बालों का गुच्छा मिला। तो स्टैंड ऑफ हेयर ठीक है, यहां तक कोई डाउट। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट रूल डाल लो, नंबर डाल लिया। अब पहले समझ लो, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में सेम होते हैं, बात समझ में आई। एग्जाम्पल जैसे डियर, शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में सेम है, लेकिन हम इनके यूज के अनुसार क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं। लिख लो, सम नाउन्स, सम नाउन्स आर सेम इन बोथ फॉर्म्स, कुछ नाउन दोनों फॉर्म में एक जैसे होते हैं, और वो फॉर्म कौन कौन सी है, सिंगुलर और प्लुरल। एग्जांपल लिख लो, डियर, डी डबल ई आर, डियर,
शिप, एस एच डबल ई पी, शीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, टीम टीम टी ई ए एम टीम, जूरी जे यू आर वाई जूरी होता ना, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, तो एयरक्राफ्ट सी बोल सकते हैं हम, ठीक है, काउंसिल सी ओ यू एन एस ई एल। बात समझ में आई? एग्जाम्पल लिख लो, आर टीम इज द बेस्ट, आर टीम इज द ओ यू आर आर, ओ यू आर क्या लिख रहा है, ओ यू आर लिखा है ना, और अच्छा ठीक है, आर टीम इज द बेस्ट, ठीक है। तो यहां पे हम टीम के साथ में कैसी वर्ब कैसी यूज कर रहे हैं, सिंगुलर, ठीक है। आगे लिखो, आर टीम आर, आर टीम आर, आर ओ यू आर आर, टीम ओ यू आर आर के लिए, टीम टी ए एम टीम, आर ए आर ई आर, ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है जी। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि हमारी टीम क्या है, नई यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है। तो यहाँ पे टीम के साथ में हमने वर्ब कैसी यूज करी, प्लुरल, जो कि यूज सही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमें डिफरेंसेस पता लग रहे हैं या हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ में क्या करते हैं, वर्ब और सब चीज़ें, हम वर्ब हो प्रोनाउन हो हम क्या यूज़ करते हैं, प्लुरल यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब टीम नई यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है तो पूरी टीम एक साथ थोड़ी कर रही होगी, मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक ही ड्रेस पहन ली पूरी टीम ने, हर एक बंदा अपनी अपनी ड्रेस पहन के देख रहा होगा, तो इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे वो ग्रुप नहीं रहा, डिफरेंसेस हमें आ रहे हैं। लेकिन हम उसका यूज़ सिंगुलर में करें टीम का या प्लुरल में करें, हम उसको लिखेंगे टीम ही, टीम्स नहीं लिख सकते। बात समझ में आई? ये डिफरेंस है यहाँ पे। बस लिखो, देयर आर टू फिश इन द पोंड, देयर आर टू फिश इन द पोंड। आगे एग्जाम्पल लिखो, पोंड पी ओ एन डी पोंड। आगे लिखो, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, फिशेज इन द एक्वेरियम ए क्यू यू ए क्यू यू ए आर आई यू एम एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब जहाँ पे हम मछलियों को रखते हैं, साथ सज्जा के लिए रखते हैं ना। तो इसमें क्या लिखा, देयर आर मैनी फिशेज। बात समझ में आ रही है? तो फिश का हम प्लुरल नहीं कर सकते, ये चीज़ का पहले ध्यान रखना, फिश का प्लुरल फिशेज नहीं होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि कभी कभी हम फिशेज वर्ड लिखा हुआ देखेंगे, तो ये वर्ड गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका प्लुरल नहीं है जो यहां पे लिख रहा है, इसका मीनिंग कुछ और होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश, अलग अलग प्रजातियों की मछलियां। नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा हाइपनेटेड नाउन का। हाइपनेटेड नाउन क्या मतलब होता है? हाइफन, हाइपन होता ही है, ऐसे लगाते हो ना दोनों। मैंने कहा 200 ऐसे लिख देते हो, है ना, तो इसको बोलते हैं हाइफन। तो जब भी आप हाइफन का यूज़ कर रहे होंगे तो उसके साथ यूज़ हुआ हुआ नाउन उसको हम कभी भी प्लुरल नहीं करते हैं, ठीक है, ये हमारा रूल है। तो लिख लो रूल, हाइपनेटेड नाउन कैन नेवर बी यूज्ड, कैन नेवर बी यूज इन द प्लुरल फॉर्म। हाइपनेटेड नाउन का प्रयोग,
हाइपरनेटेड, इसको ऐसे लिख लो हाइपरनेटेड पूरा, हाइपरनेटेड नाउन का प्रयोग हिंदी में लिखना चाहो तो कभी भी हम प्लुरल में नहीं करते हैं। बात समझ में आई? एग्जाम्पल लिख लो, ही गेव मी 200 तो ऐसे लगाना, यहां पे 200 के साथ मत लगाना हाइफन, 200 हाइफन रुपीज नोट्स, ऐसे लिख लो पूरा 200, 100 के बाद हाइफन रुपीज नोट्स, क्या गलती है? नोट्स की गलती नहीं है, मैंने कहा हाइफन के साथ में प्लुरल नहीं हो सकता, रुपी को आप हटाएंगे, रुपीज नहीं होगा ये, रुपी आप यूज करेंगे, 200 रुपी नोट्स मतलब 200-200 के नोट दिए उसने मुझे। आगे लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, ही स्टेज इन 5 stars, 5 hyphen stars हाँ 5 hyphen stars होटेल्स, 5 stars होटेल्स, क्या गलती है इसमें? होटल्स, एक से ज्यादा होटल में रुकता है वो, मतलब वो जब भी रुकता है 5 सितारा होटलों में रुकता है, ये कहना चाह रहे हो ना? भाई कभी इसमें रुक गया कभी उसमें रुक गया, लेकिन वो कंडीशन क्या है उसकी रुक रहेगी, वो ये देखेगा 5 स्टार है या नहीं है, तो 5 stars नहीं होगा, 5 स्टार होटल होगा। बस समझ में आई? चलो कुछ नाउन हम बोलचाल जब करते हैं ना, एक सूल डाल लो जब नॉर्मली हम कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ नाउन को हम रॉन्गली प्रनाउंस करते हैं या उनको यूज़ गलत तरीके से करते हैं, लेकिन ग्रामर में तो ऐसा नहीं है ना, हमें सही तरीका सीखना पड़ेगा, तो उसी की हम बात करते हैं। लिख लो, लिखना चाहो, सम नाउन्स आर यूज्ड इन रॉन्ग वे, कुछ नाउन का प्रयोग गलत तरीके से होता है, उनका सही प्रयोग निम्न है, द राइट यूज इज गिवन बिलो। जैसे मैंने कहा, एक तरफ ऐसे लिख लेना रॉन्ग, एक तरफ लिख लेना राइट, आपने लिखा CousIn, कजिन ब्रदर, या कजिन सिस्टर, तो ये वर्ड गलत है, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर कोई नहीं होता है, ठीक है। आप कहना तो ये चाह रहे हैं कि मेरा चचेरा भाई या बहन, लेकिन चचेरा चचेरा होता है, ठीक है, उसको कजिन ब्रदर या सिस्टर ऐसे नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे खाली CousIn, कजिन, राइट यूज है कजिन। तो अगर आप एग्जाम में ये बताना चाह रहे हैं भाई है या बहन है, तो आप उसके लिए ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाएंगे, या लगा हुआ आ रखा है एग्जाम में कहीं पर, तो वो गलत है। ऐसी जेब कतरे को आप बोलते हैं पिक पॉकेटर, तो ये भी गलत यूज है, जेब कतरे का जो करेक्ट यूज होता है वो होता है पिक पॉकेट, इसको सही कर लेना POCK KETER, ठीक है। फिर एक आप यूज करते हैं कि किसी का अच्छा नाम है, तो आप उसको बोलेंगे गुड नेम, जो कि गलत है, भाई नाम तो नाम होता है अच्छा हो या बुरा, हाँ अगर आप अच्छा नाम किसी का बताना चाह रहे हैं तो आप उसको फेम बोल सकते हैं, FAME, कि प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर बुरा नाम है तो आप उसको डिफेम बोल सकते हैं, पर ये गुड नेम बैड नेम थोड़ी होता है कोई वर्ड, ठीक है। ऐसी एक वर्ड आता है बिग या स्मॉल ब्लंडर, अब ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती, अब जो ऑलरेडी बड़ी गलती है उसे आप ये तो नहीं बताएंगे कि बड़ी से बड़ी गलती या छोटी बड़ी गलती, ब्लंडर ब्लंडर होता है, ठीक है, बड़ी भूल, तो आप इसका यूज़ क्या करेंगे, केवल
ब्लेंडर यूज करेंगे। हाँ, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि किसी बच्चे की शरारत है, छोटी मोटी गलती है, तो बच्चे के लिए आप मिसचीफ यूज़ कर देंगे, रॉन्ग डूइंग यूज़ कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप बड़ी गलती बताना चाह रहे हैं तो आप केवल ब्लंडर का यूज़ करेंगे। बात समझ में आई? ऐसे हम वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रीज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज हम लिख देते हैं। तो ब्रीज होता क्या है वैसे? तानिया, साबुन और लक्स। ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवाएं, ठीक है, और ठंडी भी नहीं हम बोल सकते, हम बोल सकते हैं प्लीजेंट एयर, ठीक है, प्लीजेंट विंड। अंतर मैंने तुम लोगों को बताया होगा, एयर, विंड और ब्रीज, इसके बीच में डिफरेंस पता है? नहीं पता किसी को? बताया तो था, चलो दोबारा बता देता हूँ। एयर का मतलब होता है अभी जो रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। विंड की अगर हम बात करें तो ये है ब्लोइंग एयर, जब हवा बहना शुरू कर दे किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रही हो उसको हम क्या बोलेंगे? विंड। और ब्रीज का मतलब क्या है कि जब हमें उस हवा से आनंद महसूस हो, प्लीजेंट हो, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रीज। तो ब्रीज कैसी होती है? प्लीजेंट एंड जेंटल, भाई अच्छा लगता है ना ब्रीज में हमें। ब्रीज का मतलब हो गया, मान लिया सुबह सुबह तुम उठे, बढ़िया ठंडी हवाएं चल रही हैं, शाम में आप अच्छी हवाएं चल रही हैं, है ना, इस तरह के। तो यहाँ पे ब्रीज कभी भी स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकती, जब मैंने कहा सॉफ्ट एंड जेंटल होती है, तो ब्रीज को आप खाली ब्रीज लिखेंगे। हाँ, स्ट्रॉन्ग विंड हो सकती है, स्ट्रॉन्ग विंड हो सकती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो उसको तुम लोग, स्ट्रॉन्ग मतलब तूफान, ठीक है। तो ब्रीज हमेशा कैसी होती है? सॉफ्ट एंड जेंटल, मतलब आप उसको केवल ब्रीज लिखेंगे, सॉफ्ट एंड जेंटल भी नहीं लिखेंगे उसके साथ में, या अगर उसके साथ में कहीं सॉफ्ट एंड जेंटल यूज करके आ रहा है तो वो भी गलत है। बात समझ में आई? ऐसे ही बात करते हैं बुरे सपने की, यहाँ दिखाई दे रहा है, चलो उसको रब कर देता हूँ। भैया आपने कोई बुरा सपना देख लिया, नोट करते रहना साथ के साथ, इसको कर लिया ना, आपने कोई बुरा सपना देखा तो क्या बोलेंगे साहब? नाइटमेयर, वेरी गुड। यहाँ पे हम लिख रहे हैं रूम यूज, यहाँ पे हम लिख रहे हैं राइट यूज। तो बुरे सपने को हम बैड ड्रीम नहीं बोलते, कि बैड मतलब बुरा और ड्रीम मतलब सपना। अगर आप बुरा सपना देख रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे नाइटमेयर, ठीक है। ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं हम घमंडी के लिए, तो घमंडी के लिए आप प्राउडी यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? प्राउड। प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं अपने नेचर में, जैसे फ्लोर और ग्राउंड की अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंस है फ्लोर में और ग्राउंड में? फ्लोर का मतलब हो गया फर्श, ठीक है, हम फर्श ही तो गिनते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं हम, फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, इस तरीके से गिनते हैं ना। ग्राउंड का मतलब क्या हो गया? जमीन। बात समझ में आई? ऐसे डिफरेंस आता है स्किल और टैलेंट में, स्किल और टैलेंट क्या मतलब है? भाई दोनों गुण होते हैं, लेकिन स्किल और टैलेंट में डिफरेंस क्या है? जैसे आप कहते हो कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? स्किल का मतलब होता है कि जो हम समय के अनुसार सीखते हैं, ठीक है। टैलेंट होता है जो हमारे अंदर इनबोर्न है, पैदाइशी है, ठीक है। कोई बहुत अच्छा गाता है जन्म से, तो वो इनबोर्न टैलेंट है उसके अंदर। एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, चलो एक्टिंग तो ऐसी भी है कि स्किल है, सीख सकते हैं आप। कम्युनिकेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है, तो वो क्या है? स्किल्स हैं आपकी।
लेकिन टैलेंट क्या है, किसी का माइंड बहुत शार्प है, ठीक है, शुरू से ही है, तो वो क्या हो गया, उसका टैलेंट हो गया, डांस बहुत अच्छा आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं चीज़ों को सीख सकते हैं, डांस है किसी को पहले से ही आता है, लेकिन कुछ लोग सीख सकते हैं। तो जिसको पहले से आता है उसको हम बोलेंगे टैलेंटेड, जिसने सीखा है उसको हम बोलेंगे स्किलफुल। बात समझ में आई डिफरेंस दोनों में? ऐसी वर्ड आता है एनवी, और जेलसी। क्या मतलब होता है? दोनों का मतलब ईर्ष्या करना होता है, मतलब किसी से नफरत करना। डिफरेंस क्या है दोनों में? एनवी को आप मान सकते हैं कि नेगेटिव सेंस, और ये है तो ईर्ष्या ही, लेकिन इसको हम फिर भी पॉजिटिव सेंस मान सकते हैं। कैसे, समझ लो मेरा कहने का मतलब क्या है। नेगेटिव सेंस, मान लिया आपके पास में कोई फोन है, मतलब आपने किसी के पास में आईफोन देखा, आपके पास है नहीं, ना आपकी हैसियत खरीदने की, तो आप ईर्ष्या करेंगे उससे। कैसी ईर्ष्या? इसका भी फोन टूट जाए या मैं ही तोड़ दूं, मतलब मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? एनवी। और जेलसी क्या होगी? जेलसी ये हो सकता है कि भाई आपके पास आईफोन है, नहीं मैंने कहा किसी, तेरे पास आईफोन है तो तुझे ये डर लगा रहेगा, अरे अच्छा तनिष्क के पास, मतलब तनिष्क ना खरीद ले यार, या तनिष्क मेरा फ़ोन चोरी ना कर ले यार, जिससे जलन स्टार्ट कर देगा। तो जेलेसी फिर भी एक बार पॉजिटिव है, लेकिन एनवी क्या है, नेगेटिव है। दूसरा जेलेसी क्या हो सकती है कि यार ये निखिल पढ़ाई में बड़ा अच्छा है तो मुझे भी अच्छा होना पड़ेगा, तो आप उसके लिए प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है, आप भी सीखना चाह रहे हैं वो स्किल, तो आप जेलेसी फील कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, चलो। एनवी नहीं फील करना चाहिए, क्यों? अच्छा ये पढ़ाई में अच्छा है तो मैं तो अच्छा बनूंगा नहीं, पर तुझे भी ना रहने दूंगा, ठाके मार दी सिर में ईंट, ठीक है, चलो। तो ऐसे ही जो कंफ्यूजिंग नाउन्स हैं हमारे, उनका पूरा चैप्टर है, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक, चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी करेंगे कल।